अरे राहुल, अब ये रेल चलने के लिए तैयार है। पूरी अच्छी तरीके से तुमने रेल को चेक कर लिया? देखो अपना रेल मिस्त्री है, जब तक अपना इस रेल को पूरी तरीके से चेक नहीं कर लेते हैं तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। और रेल यानी के ट्रेन के ड्राइवर को जब अपना कहते हैं रेल अब चलने के लिए तैयार है, तभी ट्रेन ड्राइवर इस ट्रेन को चलाता है। मोदी जी, वैसे तो इस रेल में सब कुछ ठीक है, मैंने चेक कर लिया, लेकिन इसके पहियों में थोड़ी हवा कम है। मैंने सोचा पंप से थोड़ी सी हवा भर देता हूँ। राहुल हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, हवा तो मुझे भी कम लग रही है। ऐसा करो, इस रेल के जितने भी पहिए हैं सब में हवा भरो। योगी जी, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? एक पहिए में राहुल हवा भर रहा है, एक पहिए में जाकर तुम भरो। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, पंप तो एक ही है, जिस पंप से ये राहुल रेल के पहिए में हवा भर रहा है ये पंप तो एक ही है, और पंप खरीद कर लाओ तभी तो मैं हवा भरूंगा दूसरे पहियों में। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसके लोहे के पहिए हवा कैसे कम हो जाती है इन पहियों में से? अरे योगी जी, वो बात तो सब कुछ ठीक है, हवा कैसे कम हो जाती है वो तो अलग बात है, ये बताओ इतने ज्यादा पहिए हैं इस रेल में, इतने पहियों में हवा भरी कैसे जाएगी? मैं तो यही टेंशन में हूँ। रेल मिस्त्री का भी काम बड़ा मुश्किल काम है, पूरी रेल को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही चलाना पड़ता है। अब देखो, जब तक सारे पहियों में हवा नहीं हो जाएगी तब तक अपना इस ट्रेन को यानी कि रेल को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि पहियों में हवा कम है। अगर ऐसी ये रेल चलेगी तो इसके पहिए पंचर हो जाएंगे। राहुल जल्दी जल्दी हवा भरो। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, 2 घंटे हो गए इस रेल के पहिए में हवा भरते हुए, लेकिन ये रेल का पहिया जो का तो नहीं हुआ है, यानी कि जितनी हवा इसमें पहले थी उतनी हवा अब दिख रही है मुझे, क्या करूं मैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है ये रेल के मिस्त्री का काम छोड़ दूं मैं, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मोदी जी आपने ये रेल के रखरखाव का ठेका लेकर बहुत गलत किया है। अरे इतनी लंबी तो रेल होती है, इसे कहां तक चेक किया जाए? अरे ट्रक या बस हो उसके चारों तरफ घूम के पूरी बस का जायजा ले लो, लेकिन इतनी लंबी रेल के चारों तरफ कैसे घूमा जाए? थक जाते हैं हम तो इसे चेक करते करते। ऊपर से पहियों में हवा कम हो गई, क्या करा जाए? और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मेरी जीप में सवारी कुछ कम रह गई, नहीं तो मैं अपनी जीप को फुल करके चलता हूँ। अरे मोदी जी, आपके मुंह से शब्द ये निकलते हुए कि कम रह गई सवारी, जरा सी भी झिझक नहीं हो रही है। अरे अपनी जीप को आपने ओवरलोड कर रखा है बिल्कुल। मेरा बेटा देखो बिल्कुल किनारे पर बैठा हुआ है। अरे मम्मी जी आप गलत कह रही हो, किनारे पर तो प्रियंका बहन बैठी हुई है, मैं जीप की छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ। कौन सी घड़ी थी जो मैं इस जीप पर बैठ गया? मम्मी जी आप ही ने कहा था कि मोदी जी की जीप पर चलते हैं, शहर जीप पे चलते हैं। लो चलो, इन्होंने अपनी जीप को ओवरलोड कर रखा है। राहुल कैसी बचकाना बात करती हो, ये अभी ओवरलोड कहाँ है? ओवरलोड तो तब होगी जब आगे बोनट पर भी सवारी बैठ जाएंगी, समझे? अभी पूरी कम से कम 5-6 सवारी और बैठ सकती है मेरी जीप के अंदर। भाई मोदी जी मुझे तो यहीं पे उतार दो, मैं यहीं उतरना चाहता हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। मेरे बराबर में ये नीतीश कुमार जी बैठे हैं, ये बिल्कुल मुझे दबाए दे रहे हैं। अरे मोदी जी मैं भी उतरना चाहता हूँ आपकी जीप से, रोक लो यहीं पे, रोक लो। अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, मोदी जी जीप को रोक लो, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे इस जीप के ऊपर बैठकर। मोदी जी एक बात बताओ, आपकी इस जीप का चालान नहीं कटता? इतनी ओवरलोड बिल्कुल फुल सवारी लेकर इस जीप पर चलती हो? अरे बहन मायावती जी, क्या सुबह नाश्ते में नीम खाकर आई थी जो इतनी कड़वी बात कर रही हो? क्योंकि तुमने नाम लिया बोते को लालू इंस्पेक्टर जी मिल गए, लेकिन ये रोड पर मिल तो मुझे जरूर गए, लेकिन फिर से मुझे नहीं पकड़ पाएंगे पिछली बार की तरह। मैं इनके सामने से ही तेज स्पीड में जीप लेकर निकल जाऊंगा। अरे मोदी जी रोको रोको, अपनी जीप को रोको। अरे तुम तो स्पीड ही कम नहीं कर रहे हो, तेजी से निकल गए मेरे सामने से। कब तक बचोगे मोदी जी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारी जीप का चालान काटूंगा ही काटूंगा, क्योंकि तुम अपनी जीप को ट्रेन बनाकर चलाते हो। इतनी सवारी कोई बैठाता है अपनी जीप पर? अरे मोदी जी वो लालू इंस्पेक्टर जी इस जीप को रुकवा रहे हैं, रोक लो। अरे प्रियंका कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो, अगर उन्होंने यहाँ पर जीप रोक ली तो जीप का चालान काट देंगे वो। मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी इनके सामने से निकल जाऊँ उतना अच्छा है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तरबूज के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? क्या तरबूज को फोड़ोगे? ये तरबूज लाकर मैं भी मंडी से फंस गया। तरबूज बेचना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब तरबूज लाते हो तो सब लोग अपना अपना मनपसंद छांट कर तरबूज ले जाते हैं, बेकार बेकार तरबूज बच जाते हैं। और अगर छांट कर तरबूज किसी को नहीं बेचो तो कोई लेता नहीं है। राहुल ज्यादा तरबूज को मत हटाओ, ये मेरे हाथ में जो तरबूज है ये तरबूज ले जाओ, बहुत अच्छा लाल तरबूज निकलेगा बिल्कुल। अरे जा मोदी जी, आपके कहने से तो मैं तरबूज लूंगा ही नहीं, कल आपके कहने से मैं एक तरबूज कल ले गया, लेकिन आपने कहा था वो तरबूज लाल निकलेगा, लेकिन सफेद निकला बिल्कुल बेकार।
मैं तो अपनी मनपसंद से ही तरबूज लूंगा। चलो भाई तुम्हारी मर्जी, जो सा चाहे वो सा तरबूज ले लो, मेरे पास तो तरबूज का ढेर है। अखिलेश अखिलेश इधर देखना जरा, ये वाला तरबूज ठीक रहेगा? घर ले जाऊं, काटने के बाद बिल्कुल लाल निकलेगा या बिल्कुल बेकार निकलेगा, आप बताओ। अरे क्या योगी जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद अच्छा तरबूज नहीं ले पाता हूं। कभी भी मैं अच्छा तरबूज खरीद कर नहीं ले गया घर, जब भी ले जाता हूं काटने के बाद बेकार ही तरबूज निकलता है घर पर। तो अखिलेश योगी जी मैं आपको दे दूं तरबूज छांट कर एक अच्छा सा, मेरे कहने से एक तरबूज अपने घर ले जाऊं, बिल्कुल लाल तरबूज निकलेगा, घर काट कर देखना, मजा आ जाएगा खाते हुए। अरे योगी जी अखिलेश इन्हें मोदी जी की बातों में मत आना, मैंने आपको बताया नहीं, इनके कहने पर मैं कल एक तरबूज ले गया, बिल्कुल बेकार तरबूज निकला, पूरा का पूरा तरबूज फेंकना पड़ गया। केजरीवाल तुम राहुल के पीछे क्या कर रहे हो, 2 घंटे से तुम एक तरबूज नहीं छांट पा रहे हो, कितनी देर में एक तरबूज निकालोगे तुम, इतने ज्यादा तरबूज है लेकिन फिर भी तुम एक अच्छा तरबूज नहीं निकाल पा रहे हो। जब से तुम आए हो तब से अमित शाह जी लालू जी कई लोग तरबूज खरीद कर ले जा चुके हैं, लेकिन तुमसे एक तरबूज नहीं ले मिल रहा है, लगता है तुम्हें बन में बांस सब टेढ़े लगते हैं। देखो मोदी जी, एक तो आप इतने घटिया तरबूज खरीद कर लाए हो मंडी से, मुझे तो कोई तरबूज पसंद ही नहीं आ रहा है, तुम्हारे यहाँ पर माना के हजारों तरबूज का ढेर है लेकिन मुझे एक भी तरबूज अच्छा नहीं लग रहा है इन तरबूजों में, लगता है बिना तरबूज लिए ही घर जाना पड़ेगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।